खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। बताते चले कि ग्राम पंचायत बगदरी में इन दिनों जो है जुआड़ियों का डर लगने लगा है। हालांकि कई बार न्यूज प्रकाशित हुआ लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हमेशा एक चीज निकल के सामने आता है कि पुलिस बल जो है हमारे पास पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो बगदरी में है जगह जगह जो है जुए के फड़ लग रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं और आप भी देखिए कि किस प्रकार से जुए का फड़ लगता है। हालांकि वहां पर बताया जाता है कि जो लोग हैं दबंग हैं और एक तरह से गुंडागर्दी भी करते हुए नजर आते हैं, खुलेआम जुए का फड़ चला रहे हैं और एक नहीं कई जगह जो है जुए का फड़ लगा हुआ है। आप भी देखिए वीडियो में किस प्रकार से जुए का फड़ चल रहा है ग्राम बगदरी में। हालांकि आपको बताते चले कि गुनर्रा में जो है चौकी है लेकिन वहां पर पर्याप्त बल नहीं है और कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की है। आपको बताते चले कि सिंगरौली एसपी कार्यालय में और कलेक्ट्रेट में भी जाकर ज्ञापन दिया गया है लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आपको बताते चले कि जो बगदरी इलाका है बरगवां थाना का इलाका है लेकिन एक भी बार उस गांव में पुलिस नहीं गई, ना ही मना करने ना ही समझाने, जिसका आज खामियाजा ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं गाँव के, घर का बर्तन, यहाँ तक कि घर में रखे अनाज को बेचकर खुलेआम जो है जुए फड़ पर बैठकर जुआ खेल रहे हैं। आप देखते होंगे हमारे वीडियो में किस प्रकार से जुए का फड़ लगा हुआ। सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। पूरे गांव की महिलाओं ने मिलकर कई बार शिकायत की है लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन जुआड़ियों पर। अब जो नजारा है आप खुद देखें और खुद बताएं। आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें और लिखें, उसमें बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।